एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने मंगलवार को निकलने वाले मुहर्रम के नवी जुलूस की तैयारियों पर कहा कि जनपद में 8वीं और 9वीं मुहर्रम का जुलूस निकलेगा, जिसको देखते हुए सभी थाना क्षेत्रों में पर्याप्त फोर्स की ड्यूटी लगाई गई है और सभी प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों द्वारा जो भी जुलूस के मार्ग हैं उसका भ्रमण कर लिया गया है। जुलूस को सकुशल संपन्न कराने के लिए पीस कमेटी की मीटिंग कर ली गई है। जुलूस के सभी मार्गों पर पर्याप्त पुलिस बल की ड्यूटी लगाई गई है, इसलिए प्रारंभिक तरीके से जिस तरह से पर्व को मनाया जाता है उसी तरह से मनाया जाए। यदि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का अराजकता फैलाने का प्रयास करता है तो ऐसे लोगों के ऊपर पुलिस नजर बनाई हुई है। जुलूस में ड्रोन कैमरा, बॉडी वार्म कैमरा का इस्तेमाल किया जा रहा है। LIU के माध्यम से सूचना ली जा रही है, इसलिए मेरा सभी नागरिकों से अपील है कि पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉक्टर गौरव क्रूवर ने कहा, देखिए जनपद गोरखपुर में आज 9वीं और कल 10वीं मुहर्रम का जो आयोजन हो रहा है उस संबंध में सभी थाना क्षेत्रों में फोर्स का इंतजाम किया गया है। सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों द्वारा, सभी अन्य विभागों के अधिकारियों द्वारा जो भी जुलूस के मार्ग हैं उसका भ्रमण कर लिया गया है। पीस कमेटी की मीटिंग्स कर ली गई हैं, पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है और पारंपरिक रूप से जिस तरह से पर्व हमेशा मनाए जाते हैं उसी तरह से मनाया जाए। कोई भी व्यक्ति अगर किसी प्रकार की अराजकता फैलाने का प्रयास करता है, माहौल बिगाड़ने का प्रयास करता है, अफवाह फैलाता है, तो उसके ऊपर भी नज़र रखी जा रही है। ड्रोन कैमरा, CCTV कैमरा और बॉडी वॉर्न कैमरा का इस्तेमाल किया जा रहा है। LIU के माध्यम से भी सूचनाएं ली जा रही हैं। शांतिपूर्वक ढंग से ये सभी आयोजन संपन्न हो, इसके लिए जनता से भी अपील है कि पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें।